भोपाल मध्य विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी आरिफ मसूद ने अपना नामांकन दाखिल कर कहा कि 5 साल पहले भी जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया था और इस बार फिर जनता मुझे आशीर्वाद देगी। मुझे विश्वास है कि प्रचंड बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनेगी। भोपाल मध्य विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी आरिफ मसूद ने अपना नामांकन पत्र SDM ऑफिस जाकर दाखिल किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मैंने 5 साल पहले भी नामांकन दाखिल किया था और क्षेत्र की जनता ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया था। एक बार फिर मैं अपना नामांकन दाखिल कर रहा हूं और मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा पूर्ण विश्वास है कि मैं इस बार मध्य विधानसभा क्षेत्र की जनता मुझे फिर से आशीर्वाद देगी। उन्होंने कहा कि मैं किसी भी मुद्दे को लेकर जनता के बीच नहीं जाऊंगा। मैंने जो विकास किया है वो क्षेत्र की जनता जानती है। प्रचंड बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बन रही है। हाँ, मालिक का शुक्र अदा करूंगा। 5 साल पहले भी हमारे भाई ने, हम लोगों ने नामांकन भरा था और कामयाबी हासिल हुई। जनता ने विश्वास करा। मेरा नारा था कि नेता नहीं बेटा, और मालिक ने, मुझे उम्मीद करता हूँ कि उसमें सफल रहा बेटा बनने में और दोबारा भरा है, इंशाल्लाह बहुत अच्छे से जीत जाएंगे। देखो, जब काम करा है, मुद्दे मैंने पिछली बार भी कुछ नहीं बोला था, पहले भी मैंने कहा था कि मैं काम करूंगा, और अभी भी पहला आदमी जिसने बुकलेट छापी है और बुकलेट छाप के प्रत्येक वार्ड की कार्य की दी है कि मैं आपके बीच खड़ा रहा। कोरोना जैसे महामारी में भारतीय जनता पार्टी या अन्य जो भी आ रहा है मैदान में, ये कोई मैदान नहीं था। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।